तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट समिट का आगाज हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समिट को हर वर्ष प्रदेश के अंदर 5 लाख नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने जा रहे हैं। 25 यानी 5 वर्ष में 25 लाख नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से नौकरी और रोजगार प्राप्त करेंगे, अपने घर में पाएंगे, अपने गांव में पाएंगे, अपने जनपद में पाएंगे, अपने प्रदेश के अंदर पाएंगे। प्रदेश की बड़ी मात्रा में पलायन रुकेगा और प्रदेश की ऊर्जा और प्रतिभा का उपयोग हम प्रदेश के अंदर करने में सफल होंगे। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इस दिशा में जो आज प्रयास प्रारंभ हुआ है, आपने देखा होगा कि यहां पर अभी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बहुत सारी इसमें अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की कॉपी लेबल बुक का विमोचन का कार्यक्रम और उसकी पहली प्रति आदरणीय राष्ट्रपति जी को हमारे श्री राज्यपाल महोदय के द्वारा यहां पर दी गई, उसका प्रकाशन भी किया गया है। आप उसमें विस्तृत रूप से इसको अवलोकन कर सकते हैं। अमेजिन के साथ यूसीआई, एनएससी, बीएससी, जी हेल्थ केयर के साथ एमओयू का आदान प्रदान भी एक साथ हुआ है। यानी अपने उत्पाद को उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग की दिशा में यह एक बहुत महत्वपूर्ण पहल इस अवसर पर करने का एक प्रयास किया गया है। हम उत्तर प्रदेश की परंपरागत उत्पाद को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूपी ब्रांड के रूप में प्रस्तुत कर सके, इस दिशा में यह एक पहल है। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस योजना को शुभारंभ करने इस समिट का को अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने के लिए आदरणीय राष्ट्रपति जी यहां पर हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश अब अपनी परंपरागत छवि से उभर करके देश के अंदर अपने उद्यम के माध्यम से, अपने पुरुषार्थ के माध्यम से एक नई छवि के रूप में पूरे देश के सामने अपने आप को प्रस्तुत करेगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार पुनः आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का, सम्मानित सभी अतिथियों का, जितने भी प्रदेश के हमारे उद्यमी आए हैं, इन सब का हृदय से स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने और स्वावलंबन को अग्रसर करने के लिए हर संभव सहयोग, हर संभव प्रयास करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। साफ तौर से उन्होंने कहा कि इससे उत्तर प्रदेश के विकास को 4 चांद लगेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां पर मौजूद हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक यहां पर मौजूद हैं। तो ODOP समिट का आगाज किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हर जिले में लोगों को सुविधाएं मिलें, इस बात को लेकर के सरकार बढ़ रही है। आखिरी स्तर तक आम आदमी के पास किस तरह से सरकार की योजनाएं पहुंचे, किस तरह से उसका विकास हो पाए, आखिरी स्तर तक कैसे विकास की कड़ी को जोड़ा जा सके, उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात पर जोर दे रही है, इस बात को लेकर के आगे बढ़ रही है। ODOP समिट में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां पर मौजूद हैं। लखनऊ से आप देख रहे थे किस तरह से योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। तमाम लोगों का उन्होंने आभार प्रकट किया है। उत्तर प्रदेश के विकास की बात की है, आम आदमी के विकास की बात की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, जहां पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।